हे गाइस, देखो सबसे पहले सर आपको कंपनी को स्टडी करना है। टारगेट 10,000 का देखकर सर ऐसा नहीं है कि जाना है मार्केट में ख़रीद लेना, कल के डेट में और गिर जाए तो। क्योंकि आपको पता ही है सर, मैं ज़्यादातर गिरते हुए कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, और जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ सर वो गिरता ही है, गिर ही रहा है सर कंटिन्यू। समझने की कोशिश की, मुझे बिज़नेस समझ में आ रही है इसलिए मैं भरोसा कर सकता हूँ सर। आपको बिज़नेस समझ में आ रही है नहीं आ रही है वो बात की बात है सर। चीज़ों को समझोगे ना सर तो आपको पता चल जाएगा सर अच्छा है ख़राब है। जैसे कि सर लोग बार बार हर बार यही बोलेंगे, सर फ्रेश बताओ, पहले की बात छोड़ो, इस बार अभी बताओ, दूसरा बताओ, फिर एक बार और सर, मतलब घुमा फिरा कर। ठीक है चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंपनी का नाम देख लो, डायनेमिटिक टेक्नोलॉजी सर, डायनेमिटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड सर, 6,675 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, और पहले तो सर मैं इसका बोलूँगा पूरी दुनिया को छोड़कर इसका सर पहले चार्ट पैटर्न देख लो, क्या भागते बाजार में वीडियो बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, गिरते बाजार में देख लो, गिरते बाजार में है कि नहीं, गिर रहा है, लग रहा है यहाँ से वापस जाने वाला है सर, नहीं लग रहा है, नहीं, और गिरता जा रहा है। मैं हर बार बोलता हूँ गिरते बाजार में। भागते बाजार में तो सर वो लोग खरीदते हैं जो चल जाते हैं चीज़ें तब। ठीक है, बहुत जल्द सर देखिएगा यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा, और यू टर्न लेने के बाद आपको पता ही है कि सर कहाँ चली जाती है चीज़ें, है कि नहीं सर, कहाँ चली जाती है चीज़ें। अगर यहाँ से यू टर्न अगर ये लेना स्टार्ट करेगा, प्रॉपर यू अगर फॉर्म करेगा तो कहाँ जाएगा सर यहाँ से। पूरी तरीके से चीज़ों को अब हर तरीके से तो आपको खुल के नहीं बता सकता, इशारे दे रहा हूँ कि मैं देखो इस कंपनी के ऊपर जो भी है गिरावट है, थोड़ा और गिरेगा, ऐसा बात नहीं है नहीं गिरेगा, गिरेगा। मैं यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि सर मुझे इसका बिज़नेस मॉडल ठीक लग रहा है। याद रखिए, मुझे स्टॉक से मतलब नहीं रहता, ना मुझे इसके प्राइस से मतलब रहता है। ठीक है, मुझे केवल बिज़नेस से मतलब रहता है सर, बिज़नेस अच्छा है खरीदेंगे, नहीं अच्छा है छोड़ देंगे सर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं स्टडी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊँ यहाँ पर। कंपनी जिस फील्ड में काम करती है सर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं आपको बोलता हूँ स्टॉक से मुझे मतलब नहीं है, खरीदना बेचना वो बात की बात है सर, वो आपकी मर्जी है, देखा जाएगा जब बिज़नेस समझ में आएगा तब। ठीक है, कंपनी अगर देखोगे तो लगभग जो है हाइड्रोलिक के लिए काम करती है, एयरोस्पेस के लिए काम करती है, मेट्रोलॉजी के लिए सर कंपनी काम करती है, ऑटोमेटिव टर्बो चार्जर के लिए कंपनी काम करती है सर। इनके काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े आपको क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे सारे सेक्टर के अंदर। तो सर ये अच्छे खासे टेक्नोलॉजी में सर इन्होंने सर अपना दबदबा बना रखा है। और इस तरीके से देखोगे तो सर, अगर आप देखोगे नवी मुंबई में अदानी इतना एयरपोर्ट बना रहा है सर, देखोगे तो लगभग अभी हाल फिलहाल में कितने जगह सर लग, जहां राम मंदिर बना वहां पर भी, अयोध्या में भी सर एयरपोर्ट बना, हर जगह सर एयरपोर्ट बन रहा है सर, हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है, पटना में भी बन रहा है सर अगर देखोगे बिहार के पटना में। तो कहने का मतलब सर ये एयरपोर्ट बना के सरकार करेंगे क्या, क्या बैलगाड़ी दौड़ाएंगे उसके ऊपर, क्या चलाएंगे सर सरकार उसके ऊपर, या कौन क्या रहेगा सर, फोर व्हीलर नहीं तो सर क्या रहेगा, ये एरोप्लेन ही तो चलेंगे ना सर। अब उसके बाद अगर देखोगे तो सर देख लो कितना ज़्यादा एयरपोर्ट बनेगा, तो सर सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं लोगों को तो होगा सर, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा सर लगभग जो है जहाज चाहिए होंगे सर। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो केवल यही नहीं, डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जिनको लगभग ये लोग बनाते करते हैं सर। तो ये सारी चीज़ जो है, ये बॉडी वगैरह देख लो, ये लोग बनाते करते हैं सर। तो यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करती है सर, सोच लो। तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा सर भारत के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है सर, नंबर ऑफ हवाई जहाज़ की संख्या बढ़ जाएगी सर, और इसके वजह से देखिए बहुत बहुत मैं आपको बोलूँगा लगभग फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सर लगभग अभी भी अगर जाते हो टिकट कटाने के लिए तो 6,000, 10,000 या 15,000 तक सर टिकट महंगा पड़ता है सर यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास सर 41.9% हिस्सेदारी है, थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग भी देख लीजिए 17.1%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी देख लीजिए 5.5%। ठीक है, और भी बहुत सारे देखोगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लगभग 5.5%, बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह 5. आपको देखने को मिल जाएगा, अदर्स में 24%। मतलब कहने का मतलब है कि सर सभी लोगों ने माल उठा ही रखा है, कोई बेचना तक नहीं चाहता सर। अगर प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी भी हिस्सेदारी बढ़ाई तो सर इनमें से किसी न किसी को बेचना पड़ेगा, और इसकी वजह से सर यहाँ पर स्केयर सिटी इंक्रीज़ हो जाएगा सर, क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बताया जा रहा है कि कंपनी जो है प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, तो बोला जा रहा है कि न्यू प्रोडक्ट पे ज़्यादातर ये फोकस कर रही है सर, नए प्रोडक्ट बनाने से कंपनी की एबिलिटी बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप यहाँ देख सकते हो, पार्टनरशिप करके क्या करना चाहती है सर, कंपनी एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को सर आगे से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाना चाहती है रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग के हेल्प से सर। मिलिट्री एंड डिफेंस के लिए भी कंपनी जो है लगभग बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है सर, नाटो तो आप लोगों को पता ही होगा। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर कंपनी जो है बड़े लेवल पर काम करते हुए नजर आ जाएगा सर। और शेयर होल्डर को इशारा दिया जा रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंक्रेज किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म में सर क्या मिलेगा, कंपनी खुद ही बोल रही है। ये आपको बताया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। पहले कंपनी 12 करोड़ रुपए कमाती थी, बीच में 1 करोड़ रुपए हो चुका था, और आज देखो सर कंपनी 92 करोड़ भी कमा रही है सर।
टाइम दीजिएगा तो कंपनी आपको सब कुछ देगा सर। और इस कंपनी के ऊपर मैं और लगभग कम से कम तो 6 वीडियो डालने वाला हूँ सर, एक भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में बोलते फिरोगे सर आपने फंसा दिया, कंपनी ने फंसा दिया, पहले नहीं बताया, वो छुपा के रखा आपने, वो करके दे दिया। तो 6 और वीडियो डालने वाला हूँ। ये छोटा सा मैं आपको यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन के टाइप में मैंने आपको बताया, कंपनी को फंडामेंटली और निचोड़ बताऊंगा, उसके बारे में और भी सारी चीज़ें बताते हुए नजर आ जाऊंगा, ठीक है। तो 6 और वीडियो बनाने वाला हूँ सर यहाँ पर, तो टाइम दीजिएगा, यहाँ पर केवल मैंने एक इशारा दिया आपको। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर। ये कोई भी रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है, अपने रिस्क के ऊपर लेकर ही सर कुछ कीजिएगा, आपके रिस्क के ऊपर ही सब कुछ होगा सर, याद रखिएगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई उस रिस्क उसका प्रॉफिट मेरा, तो ऐसा नहीं चलेगा सर, है कि नहीं। तो कभी कभी मैं आपको बोलूँगा सारा रिस्क आपका रहेगा सर, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो आपको ही मिलेगा ना सर, इस वजह से।